Hi, good morning and welcome back to my channel Early Panther. This is your host Puneet. So अभी 4 बज चुके हैं और मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ. गियर्स ऑल डन, लगेज डन, बैकपैक डन, बाइक भी डन है. थोड़ा सा काम रह गया, सब ल्यूब करना है, वो ऑन द वे हो जाएगा. और अभी अराउंड 4 बज चुके हैं, 3 बजे क्या उठाओ, रेडी हो गया पूरा. अभी निकलते हैं फटाफट से. 5 o'clock मुकरबा चौक मीटिंग पॉइंट है, वहाँ पे सब मिल जाएंगे. उसके बाद आगे राइट प्रोसीड करेंगे. मुरथल में ब्रेकफास्ट करने का प्लान है, उसके बाद फिर और आगे चलते जाएंगे टिल अवर डेस्टिनेशन विच इज स्पीडी वैली. सो अभी मैं पहुँच जाऊँ यहाँ पे, अभी कोई और पहुँचा नहीं है. सो आई एम फर्स्ट वन, लेट्स सी अब सेकंड नंबर पे कौन आएगा. सो अभी कम से कम टाइम 6 o'clock हो चुका है और हम यार अब जाके गुलशन के ढाबे पहुँचे हैं. अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आगे राइट पे निकलेंगे. सारे के सारे लेट लतीफ हैं. ये 5 बजे का बोला था इन सब ने और पहुँच रहे हैं ये 6 बजे के आसपास. बेटा अटेंडेंस ना मैंने मांगी थी सबसे पहले, समझ गया. और सबसे पहले पहुँचा कौन था, पौने 5 बजे का पहुंचा हुआ मैं. उठ गया भाई, भाई 3 बजे उठ गया था मगर कुछ भी नहीं करा. वैसे लेट हुए हैं और अंकित की वजह से लेट हुए हैं. भाई मैं टाइम पे आ गया था. और ये भाई थे जिनको नहीं जाना है, फिर भी सेकंड नंबर पे आ गए थे. सो अभी अंदर जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और अपनी राइड को कंटिन्यू करेंगे. ये भाई तो मतलब भाई टाइम पे था भाई ना, अभी तक मुरतल पे खा के निकल जो होगा. और हम तो पहुंचने वाले होते अब तक शिमला और नरकंडा में. हमारा गुलशन के ढाबे पे ब्रेकफास्ट खत्म हुआ, उजाला हो चुका है काफ़ी अभी और वी आर गुड टू गो. अब जो नेक्स्ट हॉल्ट होगा वो चंडीगढ़ सोचेंगे. चंडीगढ़ रुकते हैं, जब फ्यूल करवाना पड़ेगा रिफ्यूल करवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे. सो हेलो फ्रेंड्स, मीट अगेन. हाय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग. तो यहाँ से पार्ट स्टार्ट हो गए हैं और हल्की सी ठंड ज़्यादा बढ़ गई है. अभी धूप ही निकली हुई है और धूप में थोड़ा सा मतलब यू नो दबदबा बना रखा है. अभी भी ठंड लग रही है पर धूप के कारण गर्माइश भी अच्छी मिल रही है अभी करंटली. सो अभी हम सोलन पहुंचने वाले हैं. यहाँ से सोलन 5 किलोमीटर है, एक छोटा सा हॉल्ट लिया है. रास्ते में काफ़ी स्लैश है, यहाँ पे बता रहे थे रात को कल बर्फ़ था. सो सारा पिघल चुकी है इस टाइम पर, कीचड़ बहुत है यहाँ पे. और अभी क्योंकि हाईवे भी बन रहा है यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी चल रही है फुल फ्लैज और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है. अभी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं. तो अभी हमने ऑर्डर करे हैं छोले कुलचे, इनकी शक्ल देख लो आप. ये लेट शिमला पहुंच चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे रोड साइड में आप देख सकते हो थोड़ी बहुत बर्फ है यहाँ पे. कल परसों बहुत और स्नोफॉल, अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे. और कल ही रोड इनकी क्लीन करी गई है. एडजस्ट तो आप देख सकते हो वहाँ सारे की स्नो है और आई थिंक कि अभी दोबारा स्नोफॉल हो रहा है स्लोली स्लोली. सो काफ़ी अच्छा भी है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है यहाँ पे. आई यार दोबारा से स्नोफॉल हो रहा है. My God, अब बहुत ही ध्यान से चलना है यार. बिल्कुल 0 की स्पीड में जितना हो सके बाइक को सीधा रखना है ताकि ये बाइक स्लिप ना हो किसी भी हालत में.
दोबारा स्नोफॉल हो गया। काफ़ी मज़ा भी अच्छा भी लग रहा है यार। मौसम ठंड हल्की हल्की है बट आई एम ऑलरेडी वेयरिंग माय राइडिंग जैकेट विद इनर एंड लाइनर एवरीथिंग इन इट, तो इतना ठंड नहीं लग रही है पर हल्का हल्का ठंड का मौसम मज़ा आ रहा है। तो फाइनली हमें होटल मिल गया बहुत मुश्किल से, थैंक्स टू पुलिस मैन जिन्होंने बस स्टैंड के पास हमारी काफ़ी हेल्प करी और बहुत मुश्किल से एक होटल भी मिला, नॉट सो गुड। चार्जेस उसके इतने हैं कि जितने लीला के पेंसी कि आप रूम ले सकते हो। ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ